ये क्या है? ये गद्दा है माधवी। वो मुझे भी दिख रहा है। तो पूछा क्यों? ओ, पूछा इसलिए क्योंकि ये आपके हाथ में है। माधवी, तो फिर तुम्हारा सवाल ही गलत है। तुम्हें ऐसा पूछना चाहिए था कि ये गद्दा मेरे हाथ में क्यों है। चुकल शिक्षक महोदय, चुकल, ये गद्दा आपके हाथ में क्यों है? ये बरोबर है? बोला था। हाँ, वो अभी राजभर सकर में नजर रखनी है ना, तो पहले से सब तैयारी कर रहा हूँ, बाद में सोडा पीने जाऊंगा। अभी तक आप वो बात लेकर बैठे हैं? तुम्हें क्या लग रहा है माधवी, सुबह जो मैंने प्रतिज्ञा ली थी कंपाउंड में, वो क्या मजाक था? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। प्रतिज्ञा ली है माधवी, सकर पे हाथ रख के प्रतिज्ञा ली मैंने, और टीका भी किया था, जो कोई भी मेरे सकरम के साथ छेड़खानी कर रहा है ना, उसको मैं पकड़ के रहूंगा। ओ, लेकिन आप ऐसे बाहर सोएंगे, मच्छर है बाहर। तो क्या हुआ, अगरबत्ती जलाऊंगा, वो रैकेट रखूंगा। ऐसे बाहर सोएंगे तो सब क्या सोचेंगे? जिसे जो सोचना है वो सोचने दो, लोग क्या सोचेंगे सोचकर मैं अपनी सोच नहीं बदलने वाला। सकरम का सवाल है माधवी, मैं कोई चांस नहीं ले सकता। आहो, अब जिद कर रहे हो? ये जिद नहीं है माधवी, सकरम के प्रति मेरी चिंता है। और आपके प्रति मेरी चिंता है, उसका क्या? वो आज के दिन तुम एडजस्ट कर लो। अरे ए, देखो देखो माधवी, मैंने ये रेडियो में नए सेल डाल दिए है, पूरी रात जागूंगा तो मस्त की रेडियो पे गाने भी सुनूंगा। बालकनी में? हाँ। वाह छान, मतलब पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके साथ जागेगी आज। वाह, सोसाइटी क्यों जागेगी माधवी, सकर में सिर्फ मैं नजर रखने वाला हूँ। आहो, रेडियो पे आप गाने सुनेंगे तो सबको डिस्टर्ब नहीं होगा? आपको सुनना ही है ना, तो मैं हेडफोन ला कर देती हूँ, मोबाइल पे गाने सुनिए। नहीं नहीं माधवी, मोबाइल पे नहीं, रेडियो की बात ही अलग है, रेडियो का मजा ही अलग होता है। मस्त है की रेडियो में हमारे जमाने के गाने सुनूंगा। वाह वाह वाह। आहो, हमारी बालकनी के बाजू में जेठा भाई की बालकनी है, उनकी नींद डिस्टर्ब होगी। अरे हाँ, नहीं नहीं नहीं, उसे जरा भी आवाज आएगा तो वो कटकट करेगा। नहीं नहीं ठीक है, मैं रेडियो पे नहीं सुनूंगा, मोबाइल पे ही हेडफोन लगा के सुनूंगा। हाँ अरे हाँ, वो चाय पत्ती खत्म हो गई तो मैं चाय पत्ती लेकर आया हूँ, तो हर 2 घंटे बाद मुझे गर्मा गर्म चाय बनाकर देना। हाँ, मतलब मैं भी आपके साथ रात भर जागू? नहीं नहीं, तुम चाय बनाकर सो जाना। मतलब मैं चाय बनाऊं, 2 घंटे के लिए सो जाऊं, वापस उठूं, चाय बनाऊं, वापस 2 घंटे के लिए सो जाऊं। वाह, कितनी अच्छी नींद आएगी ना मुझे। अच्छी बात नहीं, कुछ ज्यादा हो रहा है ये। अब ये जिद छोड़ दीजिए आप, लाइए गद्दा दीजिए मुझे। अरे नहीं नहीं गद्दा, मैं जागने वाला हूँ माधवी, गद्दा छोड़ो। नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं मैं जागने वाला हूँ, आप दीजिए मुझे। नहीं ठीक है, आपकी जिद है ना, मेरी भी जिद है। कहाँ जा रही हो, क्या कर रही हो माधवी? माधवी क्या क्या चल रहे, कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, ये सकर में चाली क्यों नहीं? ये माधवी, अरे गद्दा कुछ क्यों चल रही? अरे चार काका घर, ये रुको माधवी, माधवी रुको। अरे माधवी रुको, माधवी कहाँ जा रही हो? अरे सकरम की चाबी क्यों नहीं तुमने? अरे बोलो तो उसने यही भाई। ए माधवी, 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 अरे तुम कर क्या रही हो माधवी, तुम सकरम की चाबी क्यों लेके आई नीचे? मैं सकरम को छुपा देती हूँ ताकि आपको जागने की जरूरत ही न पड़े। माधवी कमाल है, तुम घर की आर्ग्यूमेंट कंपाउंड में लेके आ गई। मैं सिर्फ सकरम की चाबी लेकर आई थी, आर्ग्यूमेंट आप लेकर आए। मैं लेके आया हूँ मतलब? अरे तुम बंद करो, उतरो पहले, पीछे उतरो। तुम क्या कर रहे हो माधवी? मैं सखराम को कोने में छुपा देती हूँ, जितना वो आपके सामने रहेगा ना, आप उसके लिए उतना ही परेशान होंगे। तुम समझ ही नहीं रहे हो माधवी, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो जिसने भी सखराम के साथ छेड़खानी किया ना, वो सतर्क हो जाएगा। चांगला है ना वो, उसको पता चल जाएगा कि आपको पता चल गया है, तो वो छेड़खानी करना ही बंद कर देगा। यही चाहते है ना? नहीं, मैं उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता हूँ। अरे क्या भिड़े भाई, तुमने क्या स्थायी निवास यहाँ बना लिया है क्या यार? सुबह जब ऑफिस जा रहा था तब भी यही खड़े थे, अब शाम को सोडा पीने जा रहा हूँ तब भी यही खड़े हुए। मगर पूरी रात जागने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सखाराम पे नजर रखूंगा रात भर। क्या यार भिड़े, तुम अभी तक वही बात लेके बैठे हुए हो? क्या बात है, मेहता साहब कौन सी बात कर लेके बैठ गया है भिड़े? नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। अरे वही बात कि सुरक्षा प्रहरी बन के यही बैठेगा सारी रात, निगरानी करेगा और सखाराम पे नजर रखेगा। अरे भिड़े इतनी नजर भी मत रख सखाराम पे कि उसको तेरी नजर लग जाए। कहते? अरे कहते 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 ऐसे पूरी रात उल्लू की तरह जाग के ये इस पे नजर रखना क्या शोभा देता है शिक्षक को? अब यहाँ से शिक्षक कहाँ से बीच में आ गया?
अच्छा तो पूरी रात उल्लू की तरह जाग के इस पे नजर रखना क्या शोभा देता है एक सेक्रेटरी को? जेठालाल अब यहाँ पे सेक्रेटरी भी कहाँ से बीच में आ गया? ले शिक्षक भी नहीं सेक्रेटरी भी नहीं तो तू है कौन भाई? बाप सखरम का बाप हूँ मैं। अरे भाई सुबह सबने तुझको इतना समझाया फिर भी अभी भी तू वो भ्रम पे चिपका हुआ है। अरे भ्रम कितनी बार बोलूं मेरा भ्रम नहीं था जेठालाल। मुझे पक्का यकीन है कि किसी ने सकारम के साथ छेड़खानी की है मतलब की है। अरे भाई मोकना वे माथा कोट वही मैं कह रही हूँ कब से इनको।